चार आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं फंक्शंस की। फंक्शंस सी और सी प्लस प्लस दोनों में ही एक बहुत इंटीग्रल अपनी जगह रखता है, बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आप देखें, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो अमूमन हम लोग आजकल यूज़ करते हैं या बहुत प्रचलन में है, उसमें आप देखेंगे एक मेन फंक्शन की आवश्यकता होती है, क्योंकि कंपाइलर या जो प्रोसेसिंग है वो मेन से ही शुरू होकर मेन पे ख़त्म हो जाती है, और मेन जिस चीज़ को कॉल करता है, मेन के थ्रू जो जो कॉलिंग होती है उसी पे ध्यान दिया जाता है। बाकी अगर मेन के नीचे अगर आप कुछ लिखेंगे या मेन से कुछ कॉल नहीं करेंगे तो वो चीज़ें एग्जीक्यूट नहीं होंगी। तो मेन भी एक फंक्शन है, और फंक्शन का कैसे पता चलता है हमें कि नॉर्मली जो एक लुक है उसमें यह है कि जिस भी शब्द के आगे आपके राउंड ब्रैकेट्स लगे हों वो फंक्शन की श्रेणी में आता है। अमूमन जो मेन फंक्शन है, यहाँ पर हम सी प्लस प्लस की अगर बात करें तो मेन फंक्शन जो है वो सारी चीज़ें फॉलो करता है जो एक नॉर्मल फंक्शन करता है। बस ये है कि कंपाइलर फाइंड्स मेन, प्रोसेसिंग है वो मेन से ही शुरू होती है। यहाँ पर देखिए, मेन जो है उसका रिटर्न टाइप इंटीजर है, और इसलिए हमें रिटर्न ज़ीरो देना पड़ता है या रिटर्न वन, जो भी आप देना चाहें। बट इसका जो मेन का रिटर्न टाइप अगर आपसे कोई पूछे तो आप उसको इंटीजर ही बताएंगे, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट मेन का रिटर्न टाइप इंटीजर होता है। फंक्शंस की एक छोटा सा फंक्शन हम लेंगे और फिर उसको डिस्कस करेंगे। एक बहुत ही छोटा सा मैं आपको फंक्शन बताऊँगा और उसके एक एक पार्ट आपको मैं क्लियर करूँगा। जैसे मान लीजिए मुझे दो नंबर्स को ऐड करना है, तो करते क्या है कि मैं वेरिएबल लेता हूँ इंट ए कॉमा बी, और ऐसा करते हैं यूज़र से एंटर ना करा के हम इसको इनिशियलाइज ही कर देते हैं पहले। तो अगर मैं ये करूँगा सी, एक इंट सी भी ले लेते हैं यहीं पर, और सी में मैं ए और बी का रिज़ल्ट डालूँगा। तो C अगर इज इक्वल टू मैं A प्लस बी करता हूँ और C को C आउट कराता हूँ या प्रिंट कराता हूँ, तो आप देखेंगे कि मेरे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो आएगा 30। तो इसको हम रन करा के देखते हैं। तो देखिए 30 जो रिज़ल्ट आया। अब ये क्या है कि जब आपका प्रोग्राम बड़ा होने लगता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हर आदमी हर काम नहीं कर सकता, वो अपना काम तो कर सकता है खुद का, लेकिन जो बाकी काम है, जैसे घर की बात करें तो यहाँ इसमें लकड़ी वाला लगता है, नल वाला लगता है, मेसन लगता है, कचरे उठाने वाला लगता है, और पेंटिंग वाला लगता है, तो ये सारे लोग अलग अलग होते हैं। तो टास्क हम सब डिवाइड कर सकते हैं, करते हैं तभी सारे काम हो पाते हैं। तो मेन जो है एक तरीके से आप समझ लीजिए कि डायरेक्टर ऑफ या कैप्टन ऑफ द शिप है, और बाकी कोई मैकेनिकल इंजीनियर है, कोई शिप को संभाल रहा है, कोई सफाई कर रहा है, और कोई नेविगेशन कर रहा है। तो उस तरीके से अलग अलग पार्ट हम बांट सकते हैं। तो अगर मेन में हम सब कुछ लिख देंगे तो एक तो मेन क्लम्जी हो जाएगा, देखने में ही अच्छा नहीं लगेगा, दूसरा डिबगिंग में दिक्कत आएगी। डिबगिंग मतलब होता है एरर को जानना और उसे हटाना, तो वहाँ पर दिक्कत आएगी। इसलिए हम क्या करते हैं कि अपने मेन फंक्शन के अंदर बहुत सारे फंक्शंस लिख लेते हैं, और उन फंक्शंस को बारी बारी से जब ज़रूरत हो तब कॉल करते हैं। इससे रीयूजबिलिटी भी हो जाती है, मॉड्युलैरिटी भी अचीव हो जाती है। तो इसी फंक्शन को देखिए, अब मैं क्या करूँगा कि इसी कोड को फंक्शन में डालने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, मैंने एक ऐड फंक्शन लिया और उसमें ये ए और बी को पास कर दिया। इसको ए और बी यहाँ पर कहलाता है एक्चुअल पैरामीटर, क्योंकि एक्चुअली ये जा रहा है ना, तो इसे हम एक्चुअल पैरामीटर कहते हैं। और फिर अब इसकी क्या होती है कि फंक्शन की हमें डेफिनेशन लिखनी पड़ती है कि जो फंक्शन है वो किस तरीके से दिखाई देगा। अच्छा, सबसे पहले फंक्शन का नाम, लेकिन उससे पहले उसके आगे भी एक चीज़ आती है, वो भी आपको बताता हूँ। पहले हम ये देख लें कि भाई जो भेजे जा रहे हैं उसको लेने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि ए इंटीजर टाइप है तो यहाँ पर हमको लेने के लिए भी इंटीजर टाइप लेना होगा। देखिए एक्स, अच्छा मैं इसको ये ए है और ये एक्स है, ए एक्स में जाएगा, लेकिन क्योंकि मेन फंक्शन और स्वैप फंक्शन दोनों भिन्न भिन्न हैं, अलग अलग हैं, तो यहाँ पर भी मैं ए कर सकता हूँ। तो एक्चुअल पैरामीटर, और इस पैरामीटर को बोलते हैं फॉर्मल पैरामीटर, जो आपको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ,
इसको हम कहते हैं कि फॉर्मल पैरामीटर। एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर एक हो सकते हैं क्योंकि दोनों अलग अलग फंक्शन में है, तो दोनों की एग्जिस्टेंस अलग अलग है। तो इंट एक्स मैं थोड़ा सा आपको डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक्स और वाई कर रहा हूँ, अदरवाइज कोई चाहे तो ए और बी कर सकता है। तो देखिए ये स्वैप फंक्शन हो गया, और जो हमने ऊपर कोड लिखा था हम यहाँ लिख देते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर सी नोन नहीं है तो हम यहाँ पर एक इंट सी कर देते हैं, और चाहे तो यहाँ से हटा दें या फिर रहने दें, कोई दिक्कत नहीं है। सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, और ए क्योंकि यहाँ पर भी नोन नहीं है तो यहाँ एक्स नोन है तो हम यहाँ एक्स कर देते हैं, और यहाँ पर क्योंकि वाई नोन है इसलिए वाई नोन कर वाई कर देते हैं। अब देखें आप कि यहाँ तक हो गया। अब थोड़ी सी मैं जब इसको चलाऊँगा तो एक छोटी सी एरर आएगी इसमें, इसको चला के देखते हैं कि ये क्या करता है। सॉरी एक चीज़ बड़ी मैंने एक इसमें की है। देखें आप ये जो फंक्शन है ऐड और ये फंक्शन है स्वैप, ये दोनों अलग नाम है, तो आप ध्यान रखें कि जो फंक्शन यहाँ पर होगा सेम टू सेम में आपको ये वाला नाम देना पड़ेगा, सेम टू सेम। इसमें एक और फ्लॉ है कि जब आप किसी को कोई काम देते हैं, जैसे मान लीजिए आप कुछ ख़रीदने गए, आपने उसको पैसा दिया तो वो सामान आपको देगा, तो पैसे जो होते हैं वो इनपुट होते हैं और सामान वो देगा वो आउटपुट होता है, रिटर्न होता है। तो हम यहाँ पर एक्स और वाई जो है वो तो इनपुट है, लेकिन रिटर्न टाइप भी हमें देना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि हम कुछ रिटर्न नहीं कर रहे, मतलब मेन पैसे दे रहा है और ये ऐड फंक्शन उसे सामान दे रहा है, तो ऐड को रिटर्न करना पड़ेगा, ऐड कुछ मेन को रिटर्न करेगा या देगा। तो क्योंकि हम कुछ रिटर्न नहीं करा रहे हैं, कुछ दे नहीं रहे वापस, केवल यहीं प्रिंट करा दे रहे हैं, इसलिए हम वॉइड लिखेंगे। और यहाँ पर भी देखिए कुछ करना नहीं पड़ा, अगर ये कुछ वॉइड की जगह इंटीजर या फ्लोट अगर हम करते तो यहाँ पर हमें एक वेरिएबल में इसको लेना पड़ता, क्योंकि ऐड ए बी जब एग्जीक्यूट हो जाता तो अल्टीमेटली कोई एक रिजल्ट देता। ऐड ए बी जैसी कॉल होगा तो यहाँ से प्रोग्राम कंट्रोल जो है यहाँ जाएगा। देखिए ये जो मैक्रो और फंक्शन में यही अंतर होता है, मैक्रो क्या करता है जो कोड है वो पूरा उस जगह पे ला के रख देगा, जबकि फंक्शन क्या होता है यहाँ का जैसे प्रोग्राम कंट्रोल आएगा वो इस फंक्शन में जाएगा, रिजल्ट निकालेगा और रिजल्ट को यहाँ पर रिटर्न करेगा, देगा, वहाँ पर लाइनें नहीं इंसर्ट होगी। यही डिफरेंस है मैक्रो और फंक्शन में। तो देखिए अभी एक ठीक ठाक प्रोग्राम बन गया है हमारा और जिसमें फंक्शन हमने यूज़ किया है। अब थोड़ा रन कराने की कोशिश करते हैं और इसको डिबग करते हैं। तो कंट्रोल एस और बिल्ड एंड रन कर देते हैं। यहाँ पर एक दिक्कत आई, देखिए ये जो दिक्कत आई ये मैंने इनहेरेंटली इसको रखा था, उसका कारण ये है कि देखिए जब मेन जब प्रोग्राम चला तो मेन पे आया, मेन के बाद ये ऐड आया, ऐड तो आपने बनाया है, आप अपना नाम भी लिख सकते हैं इसी जगह पे, तो ऐड तो नोन नहीं है कंपाइलर को, तो ये पहले आपको बताना पड़ेगा मेन से पहले कि भाई ऐसी कोई चीज़ आने वाली है, आप एरर मत देना। तो मैं आपको बहुत अच्छा तरीका बताऊँगा, सिंपल सा, जहाँ मेन हो वहाँ पर उसको कंट्रोल सी करिए और ऊपर जाके पेस्ट करके सेमीकोलन लगा दीजिए। इसे कहते हैं फंक्शन प्रोटोटाइपिंग। प्रोटोटाइपिंग मतलब यू आर लेटिंग द कंपाइलर नो दैट सम नेम ऑफ व्हाट वी हैव गिवन इन लाइन 5 इज कमिंग, सो डोंट गिव एनी एरर, कोई एरर ना दीजिए, ये ऐड जो है आपको इसकी फंक्शन मिलेगी। तो अब देखते हैं क्या होता है, इसको हम रन कराते हैं। देखिए 30 ये जो कोड है हमने यहाँ लिखा तो भी 30 आ गया। अब अगर मान लीजिए आप रिटर्न करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले तो हर जगह इंटीजर करना पड़ेगा, क्योंकि ये रिटर्न कर रहा है फंक्शन, जहाँ जहाँ फंक्शन में करेंगे तो फंक्शन प्रोटोटाइप में भी वैसे ही करना पड़ेगा। देखिए आप ये कर लिया, और उसके बाद ये ए जो है ये क्योंकि रिजल्ट आपको रिटर्न कर रहा है, तो अब आप क्या करेंगे इंट सी में इसका रिजल्ट ले लेंगे और इसको यहाँ पर जो सी आउट है इसको यहाँ प्रिंट करा देंगे, तो सी प्रिंट हो जाएगा, लेकिन यहाँ से आपको रिटर्न कराना पड़ेगा। जैसे मेन में देखिए रिटर्न 0 हो रहा है ना, इसीलिए यहाँ पर रिटर्न कराना पड़ेगा आपको, रिटर्न सी, जो भी जिसमें भी वेरिएबल में आप आंसर ला रहे हैं तो रिटर्न सी करेगा। अब आप देखिएगा कि सेम चीज़ चलेगी और अब रिटर्निंग हो रही है, फंक्शन में ना प्रिंट करके हम उसे रिटर्न करके प्रिंट करा रहे हैं। तो ये 30, तो ये ए और बी यहाँ पर एक्चुअल पैरामीटर्स, यहाँ पर एक्स और वाई फॉर्मल पैरामीटर, और ये फंक्शन इसे कॉलिंग कहते हैं, और ये फंक्शन की डेफिनेशन है ये लाइन 18th लाइन, और जो आपकी 5th लाइन है वो है फंक्शन प्रोटोटाइप। तो ये छोटा सा एग्जांपल हुआ आपके फंक्शन हैंडलिंग का,
फंक्शन एक बहुत ज़रूरी पार्ट है मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। सी जो पूरी पूरी की पूरी फंक्शन बेस्ड है, कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस फंक्शन बेस्ड है। सी प्लस प्लस हम पढ़ेंगे तो उसमें भी देखेंगे कि फंक्शंस का बहुत बड़ा योगदान है